क्या है? महंत गयादास महाराज जी जो है ये 84 कोसी परिक्रमा आपने किया है जी। इसमें जो विवाद हुआ था जी, उसमें आपने क्या कार्रवाई की और अब तक आपके उस कार्रवाई पे क्या हुआ? ये 24 अप्रैल को ओंकार दास के द्वारा बड़ी छावनी महंत जगदीश दास के सानिध्य में विवाद हुआ था, जिसको मैंने लिख पर तहरीर दिया था कोतवाली में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक ना हुई। जिसका ऑनलाइन मैंने करा दिया था FIR, उसकी भी कोई जांच आई नहीं है। इस संबंध में एप्लीकेशन आपने कहां कहां दिया? मैंने जिस पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था, जो पोर्टल पर दर्ज है उसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। क्या उसमें आपको आश्वासन मिला कि इस पर कार्रवाई होगी? अब ऑनलाइन करा दिया गया था, उस पर आश्वासन जब मौके पर कोई अधिकारी आए तब पता चले कि उसमें क्या कार्रवाई हुई कि क्या नहीं कार्रवाई हुई, कि उसको फिर दाब दिया गया। क्योंकि यहाँ तो गरिमा की बात है और एन के एन प्रकार पैसे को लेकर लेकर दाबा जा सकता है कार्यक्रम को। ये विवाद किससे था और क्या हुआ था उनसे? इसमें मूल मुद्दा ही महंत जगदीश दास बड़ी छावनी है, ओंकार दास को सहायक में लगा देते हैं। मूल मुद्दा ही वो नहीं है, वो पैकर्मा का श्रेय स्वतः लेना चाहते हैं कि पैकर्मा का संचालन मैं स्वतः करूं। इस पर्पज में कई बार मैंने उनसे वार्ता भी किया कि अगर आप पैकर्मा चलाने की इच्छुक हैं तो मैं आपको त्याग पत्र दे दे रहा हूं, आप पैकर्मा चलाइए। तो वो कहते हैं हमारे पास कोई आदमी नहीं, मैं स्थान के बाहर जाता भी नहीं हूं, और व्यवधान भी उत्पन्न करते हैं। इस तरह वो षड्यंत्र करते हैं, कई बार गए, कई घटनाएं काना सन 2005 में सन 2005 में भी जम्बूद्वीप में जनपद गोंडा थाना परतपुर क्षेत्र में उन्होंने घटना कराई। उसके बाद सन 2007 में तारुण में घटना कराई। इसके बाद ये सारे संज्ञान प्रशासन के है, सब कुछ संज्ञान होते हुए भी प्रशासन प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा, क्या कारण है, ये तो प्रशासन जाने और महंत जी जाने। 24 तारीख को क्या घटना हुई थी? 24 तारीख को घटना ये हुई थी कि जो हमारे स्थानाध्यक्ष वहाँ के पुजारी राम अवतार दास जी थे सीताकुंड के, तो उन्होंने सारे फलाहार की व्यवस्था संतों की कराई, कम से कम 1000 लोगों की व्यवस्था कराई थी। ओंकार दास के द्वारा जो है कुछ पत्रक बांट दिए गए कि फला स्थान पर निमंत्रण है, आप वहाँ चलिए, वहाँ आपको बर विदाई मिलेगी, और वो हमारे चोरी से बांटा गया। अगर उनको कोई माने बांटना था या कोई कारण से कार्यक्रम करना था तो कम से कम हमसे सलाह ले लेते कि ऐसा महाराज हम करना चाह रहे हैं, करें कि या ना करें, उचित है या कि नहीं उचित है। उन्होंने हमारी चोरी से बांट दिया। ओंकार दास को जब राम अवतार दास को पता चला तो उन्होंने कहा कि हम अगले साल व्यवस्था नहीं करेंगे, ना भंडारा की करेंगे ना फलाहार की करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि हम यहाँ व्यवस्था करते हैं हमारा सामान बर्बाद चला जाता है, या तो वही करें या तो मैं ही करूँगा। इस बात के लिए क्योंकि पहले कलकत्ता के सेठ जी आते थे, वो सारी व्यवस्था करते थे, इसी बात को लेके वो असंतुष्ट हो गए, व्यवस्था बंद कर दिए, और यही बात को लेके आक्रोश हुए कानसराम अवतार दास, कहा हम अगले साल व्यवस्था नहीं करेंगे। किसी तरह उनको समझा बुझा के मनाया गया कि भविष्य में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, जिसके संदर्भ में हमने तहरीर दिया, लेकिन यशो महोदय द्वारा कोई कार्रवाई न की गई, उल्टे हमें को ही धमकाया गया। तारीख की घटना में ये हुआ कि ओंकार दास से मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, बिना हमारे मर्जी के कान पत्रक क्यों बांटा गया कार्यक्रम में, तो उन्होंने हमको लाठी लेकर उठा लिया मारने के लिए, जिस पर प्रशासन आ गया। अगर प्रशासन ना आती तो काना खून खराबे भी हो सकता था, जिसका मैंने लिखित तहरीर दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। FIR भी ऑनलाइन करा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। पिछले बयान में आपने कहा था कि महाराज जी, आपने पिछले बयानों में कहा था कि लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो आज भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर किसी हमारे खिलाफ अगर कंप्लेन करोगे, शिकायत करोगे, तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। आज भी धमकियां दे रहे हैं।